ये 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 शिंदे ये मात्रे ये सब जेंटलमैन लोग इधर आओ रे बाबा तो गाइस आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग वीडियो लेके आया आयु जैसे कि आप जानते हैं कि मैं काफी सारे सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ जो कि फुली ऑटोमेटिक होते हैं और मैनुअल का भी ऑप्शन होता है उसमें जैसे कि मैंने बनाए हैं एल्बम से रिलेड सॉफ्टवेयर फोटो एडिटिंग रिलेड सॉफ्टवेयर एबलिमेशन से मोबाइल बैकवर रिलेटेड सॉफ्टवेयर और भी बहुत सारे मैंने सॉफ्टवेयर बनाए हैं जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये भी मेरे बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है पासपोर्ट टूल किट थ्री पॉइंट जीरो सॉफ्टवेयर मैंने नौ से दस महीना पहले लॉन्च किया था मेरे काफी सारे यूजर्स इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं अभी बहुत ही हैप्पीली यूज कर रहे हैं बहुत अच्छा कमेंट करते हैं मुझे इस सॉफ्टवेयर के लिए तो फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इस सॉफ्टवेयर का एक अपडेट वर्जन अभी मजा आएगा ना भिड़ो पासपोर्ट टूल किट फोर पॉइंट जीरो इस नए वर्जन के अंदर काफी सारी चीजें मैंने ऐड कर दिए हैं अपने कस्टमर के अकॉर्डिंगली कि उनको क्या क्या और इसमें फैसिलिटीज चाहिए थी वो सारी फैसिलिटीज मैंने इसमें डाल दी है ये सॉफ्टवेयर बहुत ही यूनिक सॉफ्टवेयर है अगर आपके पास स्टूडियो है या फिर अगर आपका स्टूडियो नहीं भी है अगर आप आउटडोर का काम करते हैं लेकिन अगर आप पासपोर्ट स्टैम्प या फिर बीटू साइज की फोटो के साथ काम करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपकी पूरी मदद करने वाला है आपके काम को नब्बे लेस कर देगा ये आप जितनी मेहनत करते हैं उस मेहनत में सिर्फ आपकी एक परसेंट की मेहनत लगेगी नब्बे परसेंट की मेहनत ये सॉफ्टवेयर करके देगा आपको यह बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है इसका जो थ्री पॉइंट जीरो वर्जन था वो बहुत लोग यूज कर रहे हैं बहुत अच्छे कमेंट आते हैं मुझे सॉफ्टवेयर के लिए कि बहुत अच्छी चीज़ मैंने बनाई है तो आज जो मैं आप लोग लेके आऊँ ये उससे भी ज्यादा अच्छी चीज है अगर आप मेरे पुराने यूजर हैं ये सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं ऑलरेडी थ्री अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इस वक्त तो अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए आप मेरे से व्हाट्सअप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक ये सॉफ्टवेयर बाय नहीं किया है पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और ये सॉफ्टवेयर लेटेस्ट वर्जन जो है आप फोर पॉइंट जीरो चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में समझना चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है कैसे इंस्टॉल करना है ये सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में आगे जाके बताने वाला हूँ तो गाइस वीडियो के साथ आप बने रहे और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और हो सके तो अपने व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर जरूर करें तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सीधा चलते अपने सब्जेक्ट की तरफ हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू तो सेंटीरो चैनल मैं हूँ आपका दोस्त तो गाइस जैसे की मैंने आपको बताया पासपोर्ट टूल किट ये सॉफ्टवेयर है जो की अपडेटेड वर्जन है पुराना

यूजर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार सॉफ्टवेयर को बाय करना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए इस सॉफ्टवेयर में काम कैसे किया जाता है वो सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ और फिर आगे जाके भी ये भी बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल कैसे करना है और बाय वगैरह कैसे करना है डाउनलोड वगैरह कैसे करना है वैसे आपको इस वीडियो के अंदर काफी जगह पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू भी आप आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो गाइस सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपडेट्स के ऊपर की इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या अपडेट्स हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा फोटोशॉप खुला हुआ है और यहाँ पे आपके सामने ये सॉफ्टवेयर आपका स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि बैनर चेंज कर दिया गया है 4.0 आ गया गया है है बैनर पे एक नया टूल ऐड हो ऐड सूट प्लस टी शर्ट वगैरह का शर्ट वगैरह का ऐड हो गया है एम बटन ऐड कर दिया गया है यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज का जो था ऑटोमेटिक बैकग्राउंड चेंज में व्हाइट कलर को ऐड कर दिया गया है फिर यहाँ पे एक मैनुअल कॉपी को ऐड कर दिया गया है जिसके अंदर पासपोर्ट और स्टैम्प दोनों आप बना सकते हो मैनुअल कॉपी एक एक करके भी डाल सकते हो एक कस्टमर ने आपको डिमांड करी कि मुझे मान लेते हैं तेरह फोटो चाहिए तो तेरह फोटो तो कोई देता नहीं है ठीक है फिर भी अगर उसको तेरा ही चाहिए तो इन बटनों की मदद से आप अपनी फोटो की क्वांटिटी कितनी भी कम या ज्यादा कर सकते हो फोर सिक्स में बना सकते हो फाइव सेवन में भी सिक्स एट में भी ए फोर में भी ठीक है उसको नीचे चलते हैं यहाँ पे जो और एड हुआ है हर एक बटन के ऊपर यहाँ पे उसका पेज का साइज एड कर दिया गया है क्योंकि पहले पता नहीं चलता था थ्री पॉइंट जीरो वर्जन में कि किस पेज में बनेगा यहाँ पे आठ पासपोर्ट है फोर सिक्स में बनेगा यहाँ बारह पासपोर्ट है फाइव सेवन बनेगा तो हर एक के ऊपर मेरे यहाँ पे पेज का साइज एड कर दिया गया है उसके बाद यहाँ पे नीचे चलते हैं यहाँ पे एक बटन और ऐड हो गया यहाँ पे आपको पता है कि मल्टीपल फोटो को कलाकर्शन कर सकते हैं मल्टीपल फोटो को पासपोर्ट बना सकते थे आठ आठ पीस बना सकते थे जितनी मर्जी फोटो हो साथ में आपको स्टैम्प का भी ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है कि आप अपने मल्टीपल फोटो को एक साथ एक सिंगल क्लिक में क्रॉप भी कर सकते हैं कलाकर्षन भी कर सकते हैं और स्टैम्प भी बना सकते हैं तो ये सारी चीजें इसमें अपडेट हुई है तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि अपडेट के फीचर्स को कैसे यूज करना है ठीक है उसके बाद मैं बताऊंगा सारे के सारे बटन सारे बटन बताने का मतलब यह है कि पूरे सॉफ्टवेयर का रिव्यू दूंगा जो कि मेरे नए यूजर्स के लिए होगा ठीक है इसमें मुझे मुश्किल से मुश्किल पांच मिनट लगेगा पांच मिनट के अंदर जो भी अपडेट हुआ है वो मैं क्लियर कर दूंगा तो मेरे पुराने यूजर्स के लिए मैं बताने जा रहा हूं तो आप लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज करना ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे कैसे आपको क्या करना है आपको यहाँ से पता है कि आपको फोटो ओपन करनी होती है ठीक है ओपन करनी है यहाँ से ऑटो करेक्शन होता है यहाँ से स्मूथ होता है मैनुअली करक्शन यहाँ पर है और यहाँ पे जो एड स्वीट का जो बटन दिया इसको मैं बताने जा रहा हूँ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फोटो ओपन करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास एक डेस्कटॉप में मैंने फोटो रखी हुई है यहाँ पे ये मेरी कस्टमर की फोटो मैंने इसको कट कर लिया यहाँ से और मैं जो कस्टमर का फोल्डर होता है आपको पता ही है कस्टमर के फोल्डर में जा रहा हूँ यहाँ पे जो फोटो रखने का फोल्डर है यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया अपने कस्टमर की फोटो को ठीक है यहां पर कर दिया है अब मैं जा रहा हूं अपने सॉफ्टवेयर में मुझे क्या करना है आपको यहां पर सब कुछ पता है ऑलरेडी कि, कि आपको करना क्या होता है फोटो कहां से खोलनी है ओपन फोटो पर क्लिक किया फोटो जो है आपकी है फोटो आ गई है डबल क्लिक किया आपकी फोटो खुल जाएगी खुलने के बाद आपको पता है कि फोटो का नंबर देना होता है तो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 500 हंड्रेड देता हूँ फाइव दे दिया मैंने ओके कर दिया उसके बाद आपको अपना ऑटो करेक्शन वगैरह जो भी करना है वो करोगे क्योंकि यहाँ पर जो ऑटो करेक्शन बटन है वो आप दे सकते हो मैं फिलहाल इस फोटो को मैनुअल करेक्शन कर रहा हूँ थोड़ा सा डार्क करूंगा कि फोटो मेरी ऑलरेडी लाइट है ये मैंने इतना कर दिया ठीक है अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नया जो बटन ऐड हुआ है यहाँ पे वो क्या काम करता है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड सूट प्लस शर्ट वगैरह या टी शर्ट वगैरह वो है अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है और आपको बोलता है कि मेरे पासपोर्ट की फोटो के अंदर मेरी शर्ट चेंज करो मुझे कोट पहना दो मुझे सूट पहना दो टी शर्ट पहना दो या शर्ट पहना दो या जो भी अगर आपका कस्टमर कुछ इस टाइप की डिमांड करता है तो हंड्रेड परसेंट आपको करके देना होगा तो मेरा ये सॉफ्टवेयर आपकी पूरी मदद करने वाला है ठीक है आपने फोटो खोल ली नाम दे दिया आपके पास जो यहाँ पे जो ये वाला बटन है एड स्वीट का जो अभी नया ऐड हुआ है आपको यहाँ पे क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ सा जाएंगे सूट वगैरह को ऐड करने के लिए टी शर्ट वगैरह भी है शर्ट वगैरह भी नीचे करते जाएंगे अगर यहाँ पे तो आपको नीचे शर्ट वगैरह भी मिल जाएगी टाई के साथ भी मिलेगी आपको व्हाइट शर्ट वगैरह टाई वगैरह भी है ठीक है कोट पैंट का जो कोट होता है वो भी है जैकेट भी मिलेगी स्वेटर्स भी मिलेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्वेटर्स का भी ऑप्शन दे दिया है तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे तो यहाँ से मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई सा भी ठीक है जो अच्छा लग रहा है जैसे कि मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट करते के साथ ही आपकी जो इमेज है वो यहाँ पर आ जाएगी आपकी फ़ोटो के ऊपर आ जाएगी आपको जस्ट यहाँ पर एडजस्ट करना है यहाँ पर मैंने रख लिया इसको मैंने ऐसे एडजस्ट किया यहाँ पे मैंने एक तरफ एडजस्ट किया और दूसरी तरफ से कॉर्नर से पकड़ के कंट्रोल दबा के मैंने इसको ऐसे करके गर्दन तक उसको टच कर दिया जो मेरे कस्टमर की जो गर्दन है ठीक है नेक वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मैंने उसको ऐसे करके सेट कर दिया यहां पे आप देख सकते हैं मैं इसको सेट कर रहा हूं तो कुछ इसी ढंग से आपको ऐसे सेट करना है सेट करने के बाद आपको एंटर दबाना है मेरा सेट हो गया मैंने एंटर दबा दिया एंटर दबाने के बाद अपनी शर्ट का ऊपर नीचे जो भी करना चाहते हो आप वो कर लो ऐसे करके मैंने इतना कर लिया यहां पे देख सकते हो बिल्कुल नेचुरल आपको दिखाई दे रहा है अब इतना ईजी होता है आपको कपड़े चेंज करना ये हो गया यहाँ पे आप जो एम बटन है आप वो दबा दो ये आपने एम दबा दिया एम दबाने के बाद आपको पता है कि आपको पासपोर्ट बनाने की स्टैम्प बनाना है कि बी टू बनाना है, बनाना है। ये आपको पता है तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पासपोर्ट पर क्रॉप कर देता हूँ है। है? तो मतलब कि की वाला जो बटन है अपडेट हुआ ये समझ गया आप राइट इसकी मदद मतलब से आप किसी भी फोटो के अंदर आप अपने सूट को एड कर सकते हो सूट शर्ट टी शर्ट ठीक है स्वेटर वगैरह सब चीज ऐड कर सकते हो मर्ज से मर्ज हो जाएगा तो पासपोर्ट में कटिंग कर रहा हूँ ये मैंने पासपोर्ट साइज पे क्लिक किया तो ये आपका पासपोर्ट का साइज आ गया है सही जाने के बाद मैं इसको ऐसे करके थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ये मैंने बढ़ा दिया ऐसे रख दिया और मैं इसको क्या करूँगा डबल क्लिक करूँगा डबल क्लिक कर दिया तो ये मेरा पासपोर्ट साइज रेडी हो गया तो यहाँ पे आपके पास पासपोर्ट की फोटो कट चुकी है अब आपको जो भी प्रिंट आउट करना है इसको फोर सिक्स में करना है जैसे कि आठ पासपोर्ट करना है या बारह पासपोर्ट करना है सोलह पासपोर्ट आप इसको प्रेस करेंगे प्रेस करके आपकी जो फोटो है वो जाके सेट हो जाएगी ठीक है बॉर्डर पूछा है बॉर्डर ओके करेंगे और आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ठीक है ये फोर सीज में बन गया है फोर सीज में प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अगर ए फोर बनाना है तो ए फोर के लिए भी ऑप्शन आपको पता है कि यहाँ पर था प्रिंट विद ए फोर था यहां पे आपका एफोर में आ गया आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो ये हो गया आपका एक अपडेट कि अपनी फोटो के साथ आप सूट को ऐड कर सकते हैं यानी ड्रेस को ऐड कर सकते हैं ठीक है दूसरा अपडेट है यहाँ पर चेंज बैकग्राउंड के अंदर व्हाइट कलर को ऐड कर दिया गया है तो इसको मैं करके दिखाता हूं आपको तो यहां से मैं ओपन फोटो पे क्लिक कर रहा हूँ ओपन फोटो पे क्लिक करने के बाद ये जो बैकग्राउंड कटिंग है ना ये आप बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे यहाँ पे काफी सारे लोग मिस्टेक भी करते हैं फिर वो मेरे से पूछते हैं व्हाट्सएप में जो इनको फिर बताना पड़ता है तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ से मैंने ये वाली फोटो ले ली एग्जांपल के तौर पे ये वाली फोटो मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ डबल क्लिक कर लिया मेरे फोटो आगे फोटो का नाम पूछ रहा है तो नंबर फाइव हंड्रेड वन दे देते हैं और ओके कर देते हैं फोटो में जो भी ऑटो करेक्शन आपको करना वो आप कर लेंगे। करने के बाद आपको क्या करना है आप अपने फोटो को करेंगे पहले, करने के बाद जैसे पासपोर्ट बनाना, बनाना है मैंने पासपोर्ट में क्लिक किया और मैंने यहाँ पे रख दिया अकॉर्डिंग टू पिक्चर मैं इसको सेट कर रहा हूँ ऐसे करके मैंने ऐसे करके सेट कर दिया ठीक है पासपोर्ट कटिंग हो चुकी है ठीक है आप देख सकते हो रही है थोड़ा डार्क कर लेता हूँ डार्क कर लिया ठीक है अभी ओके अभी जो तो नया बटन है व्हाइट कलर जो एड हुआ है इसको आप देख लो कि कैसे ऐड करना होता है अब मुझे ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड चेंज करना है तो आपको पता है कि पे आपको क्लिक करना है जैसे आप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला हो जाता है। इस अधिकतर गलती करते हैं बैकग्राउंड पे क्लिक कर लिया उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है वो बिल्कुल काला दिखना चाहिए बिल्कुल काला अभी क्या करना है आपको यहाँ पे क्लिक कर लिया तो ये वाला बटन है ना इसको आप बिल्कुल डाउन लेके जाओ ठीक है जब तक कि आपकी फोटो काली ना हो जाए पूरी की पूरी पूरी फोटो काली हो गई है ठीक है काली होने के बाद बैकग्राउंड में भी देखेंगे आपको कुछ डॉट्स आ गए हैं कोई दिक्कत नहीं अभी हम लोग डॉट्स हटाएंगे इसको अगर और काला करना चाहते हो तो और कर सकते हो लेकिन हम लोग की फोटो काली हो चुकी है थोड़ा सा चलो और कर देते हैं इतना कर दिया आपने अभी क्या करना है ये डॉट्स को हटाना है तो यहां पे जो प्लस का निशान है प्लस के निशान को दबा दो दबाने के बाद पीछे की तरफ आप क्लिक करते जाओ ठीक है मैं पीछे की तरफ क्लिक करते जा रहा हूँ पीछे हम लोग को बैकग्राउंड जो है वो पूरा व्हाइट होना चाहिए ठीक है ऐसे ऐसे क्लिक करते जाओ आप जैसे भी करना है इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो आप ये मैंने क्लिक कर दिया सारा का सारा ऐसे करना है आपको ये हो गया आपका काम खत्म हो चुका है अब इसको ओके कर दो ये मैंने ओके कर दिया अब आपकी फोटो रेडी हो चुकी है बैकग्राउंड चेंजिंग के लिए यहां से आप कोई सा बैकग्राउंड दबा सकते थे पहले आपको पता है कि ब्लू था ग्रे था ग्रीन था स्काई ब्लू था फिर रेड था अभी व्हाइट आ गया व्हाइट पे क्लिक करते हैं व्हाइट पे क्लिक करते के साथ ही जो आपकी इमेज है वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे देख सकते हैं आपकी इमेज जो है व्हाइट में कन्वर्ट हो चुकी है अब आपको क्या करना है यहाँ पे जो डन बटन था वो डन दबा देना है डन हो गया अब आपको पता है कि आपकी फोटो पासपोर्ट साइज है कि कितना कॉपी निकालना है यहाँ पे आप अपना कॉपी को सेट करके जिसके सोलह पीस निकालना है सिक्स एट में सोलह पीस बन जाएगा मेरा ये मेरा हो गया ओके ये मेरा ओके हो गया ये मेरा बन चुका है अब मैं इसको प्रिंट आउट निकाल लूंगा ठीक है तो ये दो अपडेट तो आपने देख लिए तीसरा अपडेट है ये मैनुअल कॉपी मैनुअल कॉपी को थोड़ा सा समझना होगा मैनुअल कॉपी का मतलब यह है कि अगर कोई कस्टमर आपको डिमांड करता है कि मुझे एक ही फोटो चाहिए सिर्फ तो आप इस ऑप्शन की मदद से एक फोटो को निकाल सकते हैं पासपोर्ट हो चाहे इस निकाल सकते हो आप ठीक है अगर कोई कस्टमर कह रहे कि मुझे तीन कॉपी चाहिए मतलब जो कॉपी क्वांटिटी है वो आपसे मैच नहीं कर रही है आपके कस्टमर की फिर भी आप काम करके दे सकते हो

कभी कभार कुछ ऐसा पेपर बचता है तो ये मैंने जो ऑप्शन बनाया है आपके उसी वेस्टेड पेपर को यूज करने के लिए बनाया है। ताकि जो आपका वेस्टेड पेपर है आप उसको काम में ले सके आप उससे भी पैसा अर्न कर सके आप उसको कोड़े में ना डाले तो मान लेते हैं हम लोग एक फोटो को लेते हैं ठीक है जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया है मैं बनी बनाए फोटो को ले लेता हूँ कस्टमर के यहाँ पे जो सेफ फोटो होती है यहां से मैंने इसको ले लिया मान लेते हैं ये मैंने ले लिया है अभी मैं क्या करूंगा मेरे कस्टमर का डिमांड आई है कि मुझे तीन कॉपी चाहिए या फिर चार कॉपी चाहिए ठीक है मान लो तीन या चार कॉपी चाहिए तो मेरे पास कटिंग पेपर रखा हुआ है ठीक है मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे जो मेरा कटिंग पेपर था ये वाला ये वाला को खोल लिया पेपर ये मेरा पेपर है अभी मुझे क्या करना है इस वाली फोटो को मुझे इस पेपर में सेट करना होगा आप क्या करते हो मैनुअली नॉर्मली आप क्या करते हो मैं इस बटन का यूज नहीं कर रहा हूँ अभी मैं आपको सिर्फ मेनुअली करके दिखा रहा हूँ आप गए अपनी फोटो को ड्रैक किया ड्रैक करने के बाद आपने फोटो को बॉर्डर दिया बॉर्डर देने के बाद आपने अपनी फोटो को जैसे आप मैनेज कर सकते हो जैसे आप सेट कर सकते हो वैसे आप जाके सेट करोगे आप कुछ ऐसे सेट करोगे ठीक है जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं अभी सेट करने के बाद आपने यहाँ पे सेट कर दिया फिर एक कॉपी और बना दी फिर आपने यहाँ पे सेट कर दिया अगर आपके पास यहाँ पे स्पेस है तो आपने राइट क्लिक करके इसको घुमा दिया आपने ऐसे सेट कर दिया तो आप इस ढंग से आप अपने कटिंग पेपर को यूज करते हो राइट right? मेरा कहने का मतलब सीधा ही है तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कटिंग पेपर आपको पता है की आपका कटिंग पेपर कहाँ कहाँ पे बचा हुआ है मतलब किस ढंग से बचा हुआ है एग्जाम्पल के तौर तो पर आपको बताया कि आपका कटिंग पेपर मान लेते कि कुछ ऐसा बचा हुआ है ऊपर की तरफ में जगह है थोड़ा सी इधर जगह है और तो नीचे की तरफ में लंबी जगह बची हुई है तो इसी टाइप के कटिंग पेपर को यूज करने के लिए ये वाला टूल है मान लेते कि आपने ये फोटो बना लिया मतलब सेट कर लिया अब आपको पता है कि आपका जो पेपर का साइज क्या है जो कटिंग पेपर बचा हुआ है फोर सिक्स है फाइव सेवन है सिक्स एट है या ए फोर में है क्या साइज में मान लो ए फोर के अंदर है ये पासपोर्ट साइज की फोटो है आपने ए फोर पर क्लिक कर दिया जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये वाली जो पिक्चर है वो ए फोर में आ गई है यहाँ पर आपका ये बॉर्डर पूछ रहा है बॉर्डर आप ओके कर दो ओके करते के साथ आपकी फोटो यहाँ पे आ गई अब आपको पता है कि नहीं आपकी जो पिक्चर है वो यहाँ पर रख लेते हैं मैं यहाँ पे एक ना आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूँ कि कहा तक मेरा पेपर बचा हुआ है ये मैंने आप लोग के आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने ऐसे कर दिया आपको समझ आएगा आपका पेपर कुछ ऐसा बचा हुआ है तो आपने अपनी फोटो तो यहाँ पे रख लिया अभी अभी ध्यान से देखो आप जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे मैं, मैं जू कर लेता हूँ आपके पास ऐसा पेपर बचा हुआ है ठीक है आपने अपनी फोटो को सेट कर लिया यहाँ पे फोटो के राइट साइड में पूरा स्पेस बचा हुआ है यहाँ पे हम लोग फोटो डाल सकते हैं लेकिन लेफ्ट साइड में कोई जगह नहीं है और न ही ऊपर की तरफ जगह है नीचे की तरफ जगह है दो फोटो लगने का या फिर एक फोटो लगने का और यहाँ पे पांच छह फोटो लगने की जगह है ठीक है अभी मैं क्या करूंगा ये मेरा पासपोर्ट है ठीक है मुझे याद रखना है कि पासपोर्ट है तो यहाँ पर जो ये वाला बटन है राइट right वाला राइट right वाले को दबाएंगे तो राइट फोटो बन जाएगी लेफ्ट को दबाएंगे तो लेफ्ट लेफ्ट वाली बन जाएगी तो अप साइड में तो अप साइड में कॉपी बन जाएगी नीचे वाले दबाएंगे तो नीचे की कॉपी बन जाएगी अभी मेरे इस पेज में में राइट साइड जगह है तो मैंने राइट साइड वाला बटन दबा दिया दबाते के साथ आप देख सकते हैं कि एक फोटो बन गई है फिर दबा दिया फिर बन गई है अब मैं मैं क्या करूंगा एक फोटो और ले सकता हूं मैंने फिर से लिया तो मेरी फोटो ऐसे आ गई लेकिन फोटो कट रही है तो मैंने फोटो को ऐसे रखा और मैंने यहाँ पे जो रोटेट बटन था रोटेट को दबा दिया मेरी फोटो रोटेट हो गई है यहाँ पे मैंने सेट कर दिया ठीक है अगर आपको एक और लगाना है तो आप एक और सेट कर दो आपने सेट कर दी ये हो गई यानी कॉपी बन गई ठीक है अब आपको यहाँ पे नीचे की तरफ बनानी है तो आपने ये वाली फोटो को क्लिक कर दिया क्लिक करने के बाद जो नीचे का टूल है ये वाला एरो आप इसको दबा दो ये आपने दबा दिया तो आपकी फोटो आ गई मतलब कि आप जितनी मर्जी कॉपी भी बना सकते हो आपने इसको पूरा सेट कर दिया आप इसको प्रिंट आउट निकालो जस्ट आपको प्रिंट आउट निकालना है आपका पेपर वेस्ट नहीं होगा जितने भी आपने पेपर वेस्ट करके फेंके वो वेस्ट नहीं होगा आपका बहुत काम आ जाएगा तो ये हो गया स्टैम्प में भी आप कुछ ऐसे ही कर सकते हैं यहाँ पे स्टैम्प का भी ऑप्शन दिया गया ऐसे ही है तो मेरा बस आपको छोटा सा एक और मैं हिंट दे देता हूं उसको बनाने का तो यहाँ पे मैं चलता हूँ ओपन मेरे फोटो करी एक नई फोटो को खोलता हूँ मैं यहाँ वाली फोटो खोल लिया खोलने के बाद फोटो का नाम दे देते हैं फाइव हंड्रेड टू दे देते हैं ओके OK कर दिया फोटो को ऑटो करेक्शन कर देते हैं फोटो को स्मूथ भी कर देते हैं उसके बाद मैं फोटो को कटिंग कर देता हूँ पासपोर्ट साइज में ठीक है ये जो पासपोर्ट साइज है इसमें कटिंग कर रहा हूँ ये मैंने कटिंग किया साइज आ गया मेरा ये मैंने ऐसे कटिंग कर दिया ये मेरा कटिंग हो गया ठीक है अब मेरा कस्टमर है मुझे कस्टमर बोला है कि नहीं मुझे तो सत्रह फोटो चाहिए भाई अब सत्रह फोटो देनी पड़ेगी हम लोग को उसको अब सत्रह फोटो देनी है तो ए में बनाते हैं हम लोग नॉर्मली ठीक है तो यहाँ पे जो ए का बटन दिया हुआ है आप उसको प्रेस कर दोगे मैंने प्रेस किया तो आपकी फोटो यहाँ पे आ गई है बॉर्डर पूछेगा पहले आप बॉर्डर पर क्लिक कर दो क्लिक करने के बाद जहां पे भी आपके पेज में जगह है खाली आप वहां पे रख दो ये रख दिया आपकी एक फोटो सेट है यहाँ पे अब सत्रह फोटो निकालनी है ना तो सोलह फोटो कोई कॉपी करनी होगी आपको तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे इतना बड़ा कर लिया मैंने ठीक है यहाँ पे जो ये वाला बटन है पासपोर्ट का मुझे सोलह बनानी और क्योंकि सत्रहवें नंबर की फोटो मेरी ऑलरेडी एड है एक है दो हो गई तीन हो गई चार हो गई पांच हो गई नीचे चलते हैं आपकी बार नीचे के लिए नीचे वाला बटन दबाएंगे ठीक है मेरी कितनी फोटो हो गई पाँच हो गई छः हो गई सात हो गई आठ हो गई नौ हो गई दस हो गई चलो ग्यारह करते हैं और बारह कर देते हैं फिर तेरह हो गई चौदह हो गई पंद्रह हो गई दो फोटो बनानी है तो नीचे की तरफ चलते हैं पेज को नीचे करते हैं थोड़ा सा दो फोटो नीचे कर लेते हैं मेरे बस मान लेते हैं ऐसी जगह बची है ये नीचे कर दिया बस हो गया मेरा सेट अब मैं इसको अपने हिसाब से प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ सेम स्टैम्प में भी ऐसा ही जाएगा तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन ऐड कर दिया गया है आप इसको जरूर देख लेंगे नेक्स्ट चलते हैं जो नेक्स्ट ऑप्शन ऐड कर दिया गया है यहाँ पे तो चलो सिर्फ मेरे नाम डाल दिया है पेज का जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि 16 फोटो जो बनेगी आपकी कौन से साइज में बनेगी 32 फोटो आपकी किस साइज पेपर में बनेगी 42 फोटो जो है आपकी किस साइज में बनेगी उसका जो यहाँ पे आया है ये है मल्टी फोटो कलर कलेक्शन क्रॉप पासपोर्ट को यहाँ पे कर दिया गया है आठ फोटो जो पासपोर्ट सेट है वो यहाँ पे कर दिया है यहाँ पे क्रॉप स्टैम्प कर दिया है यहाँ पे बार स्टैम्प कर दिया यहाँ पे आपको बता रहा हूँ आपको पता है कि ऑटो करेक्शन मल्टी फोटो कलर करेक्शन जो है यहाँ से आपको क्लिक करना है आपको पता है कि मल्टी फोटो के लिए क्या करना पड़ता है जैसे कि यहाँ पे चलेंगे यहाँ पे आपने फोटो रखी है ये मेरे कस्टमर की फोटो है मैंने यहाँ पे पेट कर दिया है फिलहाल मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ ताकि ये फोटो मैं दोबारा से यूज कर सकू मैंने यहाँ पे रख दी चलो यहाँ पे समझ लेते हैं यहाँ पे आपने मल्टीपल फोटो को कॉपी कर दिया अपने कस्टमर की आठ फोटो को कॉपी कर दिया ठीक है आपको बनाना है स्टैप पासपोर्ट का तो आपको पता ही था यहाँ पे भी बस ऑलरेडी बने पड़े हैं तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ये मैं डिलीट कर दिया मल्टी फोटो को बनाने के लिए यहाँ वाले इस वाले फोल्डर में मैंने गया मैं यहाँ पे जाने का मैंने यहाँ पे फोटो को पेस्ट कर दिया फोटोशॉप में चलता हूँ यहाँ पे ऑटो करेक्शन कर लेते हैं पहले तो ठीक है मल्टी फोटो ऑटो करक्शन मैंने क्लिक किया आपकी फोटो आपको पता है कि ऑटोमेटिकली आएगी करेक्शन हो रही है करेक्शन होकर जाके सेव हो जाएगी उसी जगह पे उसके बाद हम लोग क्रॉप करेंगे क्रॉप करने के बाद स्टैम्प बनाएंगे पहले जो मल्टी फोटो कलर करेक्शन था मतलब मल्टी फोटो का जो बैच का ऑप्शन था बैच फोटो का उसमें आठ पासपोर्ट का था और अभी मैंने बारह स्टैम्प भी ऐड कर दिया है तो यहाँ पे मेरी अभी जो फोटो है वो कलर करेक्शन हो रही है मेरी फोटो कलर करेक्शन हो चुकी है यहाँ पे चलते हैं हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी फोटो बहुत ज्यादा ब्राइट दिखाई दे रही है मेरी कलेक्शन हो चुकी है अब मैं क्या करूंगा क्रॉप कटिंग करूंगा क्रॉप इन स्टैम्प जो लिखा हुआ है इसको क्लिक करते हैं तो आपकी एक एक करके फोटो आएगी और जो आपका साइज बना आ रहा है ये स्टैंप साइज है ठीक है पहले पासपोर्ट बनाता था अभी स्टैप मैंने कर दिया हो गया ये सेव हो गई यहाँ पे आपके पास हर एक फोटो आएगी आप क्रॉप करते जाओ सब चीज़ ऑटो में रहेगा आपका यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आ गई है इसको मैंने ऐसे छोटा कर लिया और यहाँ पे मैंने सेट कर दिया ये सेट हो गया ठीक है बस आपको ऐसे ही करना है यही वाला अपडेट हुआ है जो कि बहुत अमेजिंग अपडेट्स है यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कर दिया और डबल क्लिक कर दिया लगभग आठ से नौ फोटो है मैं जल्दी जल्दी से इसको कर लेता हूँ मेरी सारी फोटो क्रॉप हो चुकी है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आप देखें सारी फोटो मैंने क्रॉप कर लिया है ठीक है ऑटोमेटिकली और यहाँ पर जो बटन है बारह स्टैम्प सेट का लास्ट वाला बटन आप इसको प्रेस कर देंगे जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपकी फ़ोटो ऑटोमेटिकली आएगी स्टैम्प में बनेगी बारहफ स्टैम्प पोस्ट कार्ड में बनेगी ये ठीक है ना और जाके सेव हो जाएगी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ये बन रही है यहाँ पे ये आती ही जा रही है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये आती जा रही है ये अभी आ गई सात नंबर की भी आ गई है या आठ नंबर की भी आ गई है तो यहाँ पे मेरे सारी फोटो डन हो चुकी है तो यही अपडेट हुआ है आप लोग समझ गए अपडेट काफ़ी बढ़िया अपडेट है अब इस अपडेट को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं आपको अपडेट चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सअप के थ्रू मेरे से बात करें अपडेट कराने के लिए आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा ठीक है गाइस और जाने की आपको अपडेट कैसे करना है तो गाइज यहाँ से मैं उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जो की इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस सॉफ्टवेयर को पहली बार देख रहे हैं जो कि प्लान कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को लेने के लिए यहां से मैं आपको सारे फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं सॉफ्टवेयर का हर एक बटन के बारे में बताऊंगा तो यहां से बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे ठीक है और एक वीडियो को लाइक जरूर करेंगे तो जैसे कि ये मेरा सॉफ्टवेयर है पासपोर्ट टूल किट फोर पॉइंट जीरो यहाँ से आप देख सकते हैं फोर पॉइंट जीरो बैनर है यहाँ पे आपको कुछ टूल्स दिए हुए हैं ये टूल आपको फोटोशॉप में यहाँ पे भी मिल जाते हैं लेकिन सुविधा के लिए हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया सबसे पहला बटन है आपका ओपन फोटो का ओपन फोटो से आपकी फोटो ओपन होगी यहाँ पे ऑटो करेक्शन है ऑटो करेक्शन का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि ऑटो करेक्शन से क्या होता है आपकी फोटो ऑटो करेक्शन हो जाएगी यहाँ पे स्मूथ का बटन है यहाँ पे मैनुअल करेक्शन का बटन है इसके अंदर भी आपका एक टूल है जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टूल आ जाएगा मैनुअली टचअप करने के लिए ये टूल है ठीक है उसको यहाँ पे आपको ऐड है कपड़े वगैरह ऐड करने के लिए जैसे कि टी शर्ट ऐड कर दी पासपोर्ट फोटो में सूट ऐड कर दिया है शर्ट ऐड कर दी है और ये एम बटन है मर्ज करने के लिए है उसको आप पासपोर्ट साइज बना सकते हैं स्टैम बना सकते हैं बी बना सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट कर, कर सकते हैं नेम एंड डेट के साथ बना सकते हैं सेव कर सकते हैं मैनुअली बैकग्राउंड कटिंग कर सकते हैं ऑटोमेटिकली ठीक है मैनुअल कॉपी बना सकते हैं एक कॉपी दस कॉपी पंद्रह कॉपी जितनी कॉपी बना सकते हैं और यहाँ पे जो कॉपी बनाओगे आप कॉपी किस पेज में बनानी है ए बनानी है फोर में फाइव में सिक्स एवं बनानी है सबका ऑप्शन है यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली सेट दिया हुआ है पासपोर्ट बनाने के लिए स्टैंड बनाने के लिए वीडियो बनाने के लिए आठ पासपोर्ट फोर सिक्स बनाने के लिए ये बटन है बारह पासपोर्ट बनाने के लिए फाइव सिक्स ये है सोलह पासपोर्ट सिक्स बनाने के लिए ये बटन दबाना है तो इसी ढंग से यहाँ पे आपको बटन दिए गए उसको यहाँ पे नीचे चलते हैं बैच ऑप्शन है यानी मल्टीपल फोटो को पासपोर्ट या फिर स्टैम्प बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं तो ये सारे टूल्स मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा का पूरा ये सॉफ्टवेयर चलाना सीख जाएंगे जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल करने के बाद आपके पास आपके डी ड्राइव में एक फोल्डर बन जाएगा पासपोर्ट के नाम से उसके अंदर चलते हैं आपको यहाँ पे चार फोल्डर दिखाई देंगे पहला दिखाई देगा कस्टमर फोटो के नाम से दूसरा फोल्डर दिखाई देगा मैन स्वीट एंड शर्ट पीएचडी तीसरा फोल्डर आपको दिखाई देगा मल्टी फोटो पासपोर्ट चौथा फोल्डर दिखाई देगा सेव वर्क पहले फोल्डर के अंदर आपको अपने कस्टमर की फोटो को सेव रखना है जितनी भी फोटो आप क्लिक करेंगे जिस भी फोटो के साथ काम करना है पासपोर्ट वो आपको यहाँ पे रखना है यहाँ पे आपको जो सूट वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सूट वगैरह दिया है अगर आपके पास भी कुछ ऐसी पी पड़े तो आप यहाँ पे नीचे पेश करके उसको यूज कर सकते हैं ऑटो में उसको यहाँ पे है मल्टी फोटो पासपोर्ट अगर आपको मल्टीपल फोटो जिसके मानो तीन सौ फोटो चार सौ फोटो पाँच सौ फोटो आपने खींची है बच्चों की उसको स्टैंप या फिर पासपोर्ट बनाना है तो इस जगह पे आप उसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे आप उसको पेस्ट करेंगे मैंने अभी यहाँ पे पेस्ट किया हुआ था तो मैं इसको हटा देता हूँ मैं नॉर्मल पिक्चर को पेस्ट कर देता हूँ ये नॉर्मल पिक्चर है मेरी क्योंकि मुझे आपको सब चीज़ बताना है यहाँ पर ये यह मैंने बंद कर दिया हटा दिया और यहाँ पे एक फोल्डर है तो वो इस फोल्डर में जाके सेव हो जाएगी तो यहाँ पे स्टैम्प बना हुआ तो है तो उसके बाद जो लास्ट फोल्डर है ये है सेवर जितना भी आप पासपोर्ट में काम करते जाएंगे एज अ नंबर आता जाएगा फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड वन फाइव हंड्रेड टू ठीक है तो यहां पे भी ये सारे डेमो है तो इसको डेमो को फिलहाल अभी यहाँ से हटा देता हूँ हटा दिया तो ये वाले फोल्डर आपके पास आएंगे तो कस्टमर के फोल्डर के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे चार फोटो मैंने रखी है डेमो के तौर पे तो इन्हीं फोटो के साथ मैं आपको काम करके दिखाने वाला हूँ तो हाँ कस्टमर की फोटो को पेस्ट कर दिया पेस्ट करने के बाद हम लोग चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ जो सबसे पहला काम होता है फोटोशॉप में क्या होता है सबसे पहले तो आपको आपकी फोटो खोलनी है फोटो खोलने के लिए आपको ये बटन दिया जा रहा है ओपन फोटो आपको यहाँ पे क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वही फोल्डर खुलेगा जिस फोल्डर में आपने फोटो को रखा था इसका मतलब यह कि आपका काम फास्ट हो जाएगा आपको एक फोटो खोलने के लिए दस बार फोल्डर में घूमना नहीं पड़ेगा फोटो ढूंढनी नहीं पड़ेगी आपका डायरेक्टली वो फोल्डर खुल जाएगा ठीक तो यहाँ से हम लोग कोई सी भी एक फोटो क्लिक करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये वाली फोटो क्लिक कर रहा हूँ जैसे आप फोटो क्लिक करते हैं तो आपसे ये पूछेगा नाम ठीक है ये नाम इसलिए पूछ रहे आपको पता ही होगा कि आप स्टूडियो अगर चलाते हैं कि अगर आपने आज फोटो खींची आज 10 फोटो खींची अगर कल फोटो खींचेंगे पहली फोटो कल की तो वो ग्यारह नंबर की फोटो होगी उसके बाद फिर फोटो खींचेंगे तो वो बारह नंबर की फोटो होगी उसका फिर खींचेंगे तो तरह नंबर की फोटो होगी और वो नंबर अपने पार्टी को भी देते हैं मतलब कस्टमर को देते हैं कि हाँ आपके फोटो का नंबर तेरह नंबर है आप जब भी दोबारा से सेम फोटो निकालना चाहते आप आएंगे मेरी दुकान आप अपने फोटो का नंबर बताएंगे और हम लोग आपके फोटो ढूंढ के प्रिंट आउट कर देंगे आपको खिंचवाना नहीं पड़ेगा तो ये वो नंबर है ठीक है समझ गए तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको करूंगा जीरो क्योंकि मेरा पहला फोटो है तो मैं जीरो करूंगा ये मैंने जीरो कर दिया जीरो वन करने के बाद आप उसको ओके करेंगे ओके करते के साथ ही आपकी जो फोटो है वो जीरो वन के नाम से सेव हो जाएगी ये हो गई अब सबसे पहला काम रहेगा

और एड स्वीट वगैरह का ये हम लोग नेक्स्ट फोटो में करेंगे अभी हम लोग चलते हैं पासपोर्ट के ऊपर सीधा पासपोर्ट या फिर स्टैम्प या फिर बिटू कस्टमर आपसे कुछ भी बोल सकते हैं पासपोर्ट बनाने के लिए या फिर स्टैम्प या फिर बीटू मानते हैं कि कस्टमर ने बोला कि पासपोर्ट बनानी है सोलह कॉपी तो यहाँ से पासपोर्ट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक साइज आ जाएगा इस साइज को आप अपने हिसाब से ड्रैग करेंगे जितना आपको शोल्डर लेने हैं आप अपने मैच करेंगे और एंटर को प्रेस कर देंगे ये आपकी फोटो हो चुकी है फाइव सेवन के सॉरी पासपोर्ट के अंदर ठीक है अब पार्टी डिपेंड करता है कि कितना कॉपी उसको निकालना है आपके पार्टी ने आपको बोला कि नहीं मुझे सिर्फ आठ कॉपी चाहिए तो यहाँ पे जो आठ कॉपी का ऑप्शन है आप वो दबा देंगे ये आपने दबा दिया आठ कॉपी का ऑप्शन दबाने के साथ ये आपसे पूछेगा कि बॉर्डर आपको देना है कितना साइज का देना है तो मैंने यहाँ पे दो ऑटोमेटिक सेट किया है आप या तो दो पेज छोड़ सकते हैं या फिर दो से ज्यादा या फिर दो से नीचे रख सकते हैं और यहाँ पे कलर सेट कर सकते हैं लिंक कलर नॉर्मली ब्लैक ही होना चाहिए और ये दो बिल्कुल सही सेट है आप इसको ओके कर देंगे ओके करते के साथ ही जो आपकी जो इमेज है वो आठ पासपोर्ट यहाँ पे सेट हो गई है ये आपकी आठ फोटो जो है वो फोर सिक्स में जाके सेट हो चुकी है अब आप इसको डायरेक्टली प्रिंट आउट करके अपना कटिंग करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं ये तो हो गया लेकिन मान लेते हैं कि अगर आपको ये आठों की आठों फोटो फोर सिक्स में नहीं निकालना है ए फोर में निकालना है ठीक है तो आपको क्या करना है आपको थोड़ा सा नीचे जाना है यहाँ पे नीचे यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रिंट विद ए फोर बटन आपको ये प्रेस कर देना है जैसे आप इसको प्रेस कर दें तो आपकी जो इमेज है वो आपकी ए फोर में पहुँच गई है यहाँ पर तो अपने हिसाब से यहाँ पे आप सेट करें जहाँ पे भी आपको रखनी है जहाँ पे भी आपका पेपर है वहाँ पे रख के आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ठीक है और अगर हम लोग उस फोल्डर में चलते हैं जो फोल्डर मैंने आपको बताया था पासपोर्ट के नाम से इस फोल्डर के अंदर जो सेव वाला फोल्डर था यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी ओरिजिनल फोटो जो क्रॉप करी थी आपने पासपोर्ट साइज जो भी एडिटिंग करी थी पासपोर्ट बनाने से जस्ट पहले वो आपकी सारी की सारी सेव हो जाएगी जीरो वन के नाम से ये हो गया ठीक है यहाँ पे आपकी फोटो सेव हो चुकी है तो इसको हम लोग कर देते हैं बंद अब बंद कर दिया अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वाले बटन का मीनिंग मैनुअल करेक्शन ठीक है मैनुअल एडिटिंग या टचअप बोल सकते हो इस बटन को कैसे यूज करना है तो सेम प्रोसेस है पहले तो आपको फोटो खोलनी है कस्टमर की मैं ये वाली फोटो खोल रहा हूँ एक बार मैंने ये वाली फोटो खोल दी फोटो का नंबर देना है पहले मैंने क्या नंबर दिया था जीरो वन अब की बार मैं दूंगा जीरो टू और ओके कर देते हैं ये मेरी फोटो जीरो टू में से हो जाएगी ये फोटो मैंने इसलिए खोली है क्योंकि इसका फोटो को चेहरा देखो आप चेहरे में देख सकते हो तो कितना दाग धब्बे वैसे तो पासपोर्ट की फोटो या स्टैंप या बीटो की फोटो के अंदर दाग धब्बे नहीं हटाने ये इलीगल होता है लेकिन फिर भी कस्टमर अगर डिमांड करते हैं तो आप हटाओ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आ गए अभी क्या है ऑटो करेक्शन करना है आपको स्मूथ करना है लेकिन दाग धब्बे आपको पहले हटाने हैं उसके लिए जो यहाँ पे मैनुअल करेक्शन आप उसको प्रेस करो जैसे आपने प्रेस किया तो आपके सामने ये टूल खुल जाएगा मैं यहाँ पे आपको एक दो बटन बताऊंगा लेकिन सारे बटन का काम करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा सबसे पहला बटन है रिमूव पिंपल उसके बाद है स्मूथ ठीक है उसके बाद है नेचुरल स्किन उसके बाद है शेडो रिमूव यानी जो शेडो होता है आंखों के नीचे वो सब उसके बाद यहाँ पे लाइट वगैरह सेट करने के लिए है रोज टोन वगैरह है पिंक टोन वगैरह है ठीक है कंट्रास्ट वगैरह है ऑटो टोन वगैरह है ऑटो करेक्शन ऑटो कलर लेवल वगैरह सब चीज यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे है फिनिश वर्क फिनिश वर्क आपको बहुत सपोर्ट करेगा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेहरे से दाग धब्बे हटाएंगे कैसे हटाना है यहाँ पे जो रिमूव पिंपल है आपको उसको प्रेस करना है जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा ये मैसेज आ गया इस मैसेज में लिखा है योर प्रोसेस इज कम्प्लीट यूज अ व्हाइट ब्रश ओवर द लेयर मास्क टू सी द इफेक्ट तो यहाँ पे आप कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे जैसे आप कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ब्रश सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रश सेलेक्ट हो जाएगा आपको कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है आप अपनी फोटो को जूम कर लो जूम करने के बाद जहाँ पे भी आपको दाग धब्बे दिख रहे हैं जस्ट वहाँ पे आपको अपना माउस को ड्रैग करना है मैं यहाँ पे ड्रैग करता जा रहा हूँ आप ध्यान से देखते जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके जितने भी दाग धब्बे थे वो एक ही बार में रिमूव होते जा रहे हैं और ये जो ऑप्शन है इतना बढ़िया है कि बालों के बीच में से भी अगर आप चलाओगे तो बाल नहीं कटेंगे बालों के बीच में से वो स्मूथ करता चल जाएगा आपका जितने भी स्किन है उसको ठीक करता चल जाएगा ये बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अभी यहाँ पे मैंने कर लिया इसको चारों तरफ मैं इसको सिर्फ घुमा रहा हूँ और कुछ नहीं यहाँ पे कर लिया इतना कर लिया ये हो गया अभी नाक की तरफ देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर है यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपना साइज़ को ये हो गया यहाँ पर भी था यहाँ पर कर लिया हम लोगों ने आँखों के ऊपर ये कर लिया है अभी सर के ऊपर है सर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे बाल हैं लेकिन मैं बालों के ऊपर चला रहा हूँ तो बालों को कुछ नहीं हुआ लेकिन बालों के पीछे जो स्किन थी वो आपकी ठीक हो चुकी है ठीक है यहाँ पे आपने देखा ये आपने कर लिया ठीक ठीक करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे जो फिनिश बटन है ये दबा देना है ये आपने दबा दिया अभी आपकी फोटो डन हो चुकी है लेकिन अब आपको स्मूथ करना है तो यहाँ पे जो स्मूथ बटन है आप वो दबा दो जैसे आपने इसको दबाया स्मूथ बटन को आपकी फोटो जो है वो स्मूथ हो जाएगी अभी यहां पे देख सकते हैं कि आपकी फोटो स्मूथ हो चुकी है जो कि बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है उसके बाद यहाँ पे पिंक टोन वगैरह या जो भी अगर जो भी आपको टोन देना है जैसे कि मान लेते हैं रोज टोन देना है या फिर पिंक टोन देना है क्लिक कर लेते हैं यहां पे देख सकते हैं कि पिंक टोन आ चुका है ऑटो अगर लेवल वगैरह देना है अगर आपको अगर ऑटो लेवल या फिर ऑटो करक्शन करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं और जस्ट ऑटो कलर मैंने क्लिक कर दिया ये ऑटो कलर हो गया थोड़ा सा अजीब हो गया ठीक है कंट्रोल जेट कर देते हैं यहाँ से ऑटो कंट्रास्ट करते हैं ऑटो कंट्रास्ट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा ऑटो टोन करते हैं ऑटो टोन कुछ ऐसा हो जाता है तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं ठीक है अगर अपनी मैनुअली करना है तो यहाँ पे लेवल पे क्लिक करेंगे तो मैनुअली का ऑप्शन आ जाता है यहाँ से अपने हिसाब से डार्क करें लाइट करें या जो भी करना है कलर बैलेंस खोलना है तो यहाँ पे कलर बैलेंस का ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं कलर अपने हिसाब से आप सेट कर लेंगे ये सेट कर दिया आपने मतलब कि ऑलमोस्ट ये सेट हो गया आपका ठीक है तो ये था हम लोग का टचअप का बहुत इजी है मैंने बहुत जल्दी वे में आपको बताया लेकिन आप लोग समझ गए होंगे अभी मैं क्या करूँगा कि मुझे चलो स्टैम्प बनाना है स्टैंप का ऑप्शन भी देख लो पासपोर्ट देख लिया आपने स्टैम्पे क्लिक करेंगे इस साइज के हिसाब से आप अपने फोटो को क्रॉप कर देंगे स्टैंप के साइज़ में ये आपने कर लिया इतना ठीक है डबल क्लिक कर लो कर लिया अब इसको जूम कर लेते हैं अब आपको डिसाइड करना है कि ये फोटो आपको किस साइज में बनानी है ठीक है यानी सॉरी कितना कॉपी बनानी यहाँ पे बारह स्टैंप है पंद्रह स्टैंप है बाईस स्टैंप है अगर इसमें से आपका नंबर मैच नहीं कर रहा है तो यहां से आप बना सकते हो एक एक करके यहाँ से आप डिसाइड कर लो कि क्या साइज में बनाना है जैसे अगर आपका पार्टी बोला है कि मुझे तेरह कॉपी बनानी है तो तेरह कॉपी का तो ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं ठीक है पंद्रह है आपका कस्टमर बोल रहा है कि नहीं मुझे सत्रह कॉपी बनानी तो सत्रह का तो नहीं है तो यहाँ से बना सकते हो आप ठीक है ये स्टैम्प का ऑप्शन है यहाँ से बना सकते हो मैं बताऊँगा कि ये वाला ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा अभी तो फिलहाल अभी हम लोग तो यहाँ से चलते हैं कि मुझे बाईस स्टैम्प बनाना है बाईस स्टैप फोर सेक्स के अंदर जाएगा मैंने क्लिक कर दिया बाइस स्टैप पर आपकी फोटो के लिए बॉर्डर पूछेगा ओके कर देंगे तो यहाँ पे आपके जो बाईस स्टैप है वो रेडी है फोर से इसके अंदर आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अगर ए में निकालना है तो नीचे करेंगे प्रिंट विद ए फोर पर क्लिक करेंगे तो आपके जो ये ए फोर में सेट हो गया आप यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ये डन हो चुका है ठीक है गाइस तो ये देख लिया अभी हम लोग चलते हैं सूट वाले पे ये मैं आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बता चुका हूं ऑलरेडी जैसे मैं अपडेट के बारे में बता रहा था लेकिन फिर भी देता हूँ यहां से मैंने ओपन फोटो पर क्लिक किया यहां से मैंने फोटो को खोल लिए फोटो का नंबर दे देते हैं जीरो थ्री कर देते हैं इस बारी ओके कर दिया मैं आपको एक बार फोल्डर पर लेकर चलता हूँ कि जो सेकंड नंबर के फोटो के साथ काम किया था वो सेव हुई कि नहीं हुई मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं जीरो टू के नाम से सेव हो चुकी है अभी जो मैंने जीरो थ्री किया है ये अभी सेव होगी ये फोटो मेरी थोड़ी ज़्यादा लाइट है तो मैं इसको डार्क कर लेता हूँ थोड़ा सा पहले यहाँ पर मैंने डार्क कर लिया ठीक है अभी मुझे क्या करना है आपके कस्टमर ने बोला कि मुझे ड्रेस चेंज करनी है तो यहाँ पर एड स्वीट पर क्लिक कर लो क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई सा भी आप ड्रेस सेलेक्ट कर लेते हो मैं सेम ड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ मैंने सेलेक्ट कर लिया डबल क्लिक किया आ गया है अब मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली अपने जो मेरा कस्टमर है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो ड्रेस है उसको नेक के हिसाब से मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा हम लोग को सिर्फ गर्दन सेट करनी होती है गर्दन के हिसाब से अगर सेट कर लिया तो आपका जो कपड़े हैं बिल्कुल सही ढंग से मैच करेंगे ठीक है वही चीज़ आपको मैच करनी होती है बाकी कुछ नहीं ये मैंने मैच कर दिया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सब कुछ मैच कर रहा है आप ये हो गया होने के बाद आपको जो एम बटन है वो प्रेस करना है एम प्रेस कर दिया तो आपकी जो फोटो है अगर लेयर देखेंगे तो आपकी सेट हो चुकी है यहाँ पे तो अब यहाँ पर आप पासपोर्ट बनाओ चाहे स्टाइम बनाओ चाहे वीडियो बनाओ चलो पासपोर्ट बनाते हैं पासपोर्ट मैंने बना दिया पासपोर्ट के साइज़ पर क्लिक कर दिया इसको मैंने ऐसे बढ़ा दिया अपने फोटो को मैं ऐसे सेंटर में लेके आया लेने के बाद थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं यह हो गया ये मैंने डबल क्लिक कर दिया ये मेरी फोटो बन चुकी है अब यहाँ से हम लोग यहाँ से चाहे आठ कापी बना सकते हैं बारह कॉपी सोलह कॉपी बत्तीस कॉपी या बयालीस कॉपी लेकिन अगर इसमें से कोई ऐसा नंबर है जो कि आपके पास यहाँ पे नहीं है जिसकी कस्टमर ने बोल दिया कि मुझे तीस कॉपी चाहिए तो तीस तो यहाँ पर नहीं है ठीक है तो फिर आप यहाँ से बना सकते हो कैसे बनाने मैं आपको बता रहा हूँ तीस कॉपी डेफिनेटली आपका ए फोर में आएगा फोर सिक्स में तो नहीं आएगा तो यहाँ पे पेपर है ए फो इन ए फोर लिखा है तो उस पर क्लिक करोगे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा बॉर्डर के लिए आप उसको ओके okay कर दोगे तो आपकी फोटो यहाँ पे आ चुकी है आप उसको कॉर्नर में रखो उसको जितनी भी कॉपी आपको चाहिए यहाँ आप दबाते जाओ जैसे कि मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर तो पर दबा के दिखा रहा हूँ मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे मैंने रख लिया इसको मैंने दबा दिया जैसे कि दो हो गए तीन हो गए चार हो गए ये पाँच होगी नीचे चलते हैं अभी छः हो गई सात हो गई आठ गई चलो मैंने ऐसे कर लिया यहाँ इस साइड में चलते हैं आपकी बार लेफ्ट साइड में चलते हैं तो लेफ्ट साइड के लिए लेफ्ट बटन दबाना है ये मैंने एक दबा दिया ये भी दबा दिया ये दबा दिया ये दबा दिया बाकी तो पेपर ही नहीं है चलो ऊपर की तरफ दबाते हैं ऊपर दबा दिया ठीक है आप इस साइड दबा देते हैं चलो मैं आपको सिर्फ ऐसे बटन का यूज़ बता रहा हूँ कि ये करके ये मैंने इतना दबा दिया ठीक है ये हो गया अब प्रिंट आउट निकालना है प्रिंट आउट निकाल सकते हो मतलब इस बटन का मतलब है जितनी मर्जी कॉपी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो मोस्टली ये बटन मैंने बनाया इसलिए है कि जब आपके पास कटिंग पेपर बचते हैं कुछ इस ढंग से कटिंग पेपर बचते हैं मैं आपको फोटोशॉप में खोल के दिखाता हूँ ताकि तब जाके आपको ज्यादा समझ आएगा जैसे कि यहाँ पे आप देखें ये कटिंग पेपर आपके पास कई बार ऐसा पेपर बचता है ठीक है कभी कभार ऐसा पेपर बचा होता है कभी कभार आपका कुछ ऐसा पेपर बचा होता है तो वो पेपर को आप फेंके नहीं वो इस वाले टूल की मदद से आप यूज करें इस पेपर को ठीक है यूज करके अपनी इमेज यहां पर डालें लें जैसे यहां पे ये वाला पेपर है यहां पे भी आप यूज कर सकते हैं ठीक है वो आप पे डिपेंड करता है ये टूल बहुत अमेजिंग है जितनी मर्जी आप कॉपी बना सकते हैं यहां पर जितनी मर्जी कॉपी जैसे मर्जी साइज में बना सकते हैं तो सेम प्रोसेस है जो भी आपके पास सब्जेक्ट है यहां पर मैं फिर से एक बार सब्जेक्ट को ओपन कर लेता हूँ मैनुअली ओपन कर रहा हूँ मैं सब्जेक्ट को ये मैंने सब्जेक्ट को मैनुअली ओपन कर लिया है आपको पता है कि आपको जो फोटो बनानी है वो कितनी कॉपी बनानी है और किस साइज़ का आपके पास कटिंग पेपर बचा हुआ है या तो फिर पूरा पेपर है फोर सिक्स में फाइव सेवन में सिक्स एट में या फिर ए फोर में यहाँ से आप अपना पेपर सेलेक्ट करेंगे पहले जिसके फाइव सेवन बनाना है तो फाइव सेवन सेलेक्ट कर लो तो आपकी फ़ोटो फाइव सेवन में आ जाएगी ओके कर दो बॉर्डर आ जाएगा आप अपने हिसाब से उसको कहीं पर भी एडजस्ट कर दो और ये टूल की मदद से जो ये रिमोट टूल है इस रिमोट टूल की मदद से आप अपनी फोटो की जितनी मर्जी को आप कॉपीज बना सकते हो और जहाँ मर्जी आप मूव कर सकते हो यहाँ पे करके देख सकते हो यहाँ मूव कर दिया ठीक है ऊपर करना है ऊपर कर दो आप जहाँ मर्जी आप सेट कर सकते हो इसेड करना है तो ये लास्ट फोटो पे क्लिक करके आप इसेड कर दो ये कर दिया ठीक है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ये हो गया गाइस अब इसको बंद कर देते हैं ये वाला टूल आई थिंक आप समझ गए होंगे बहुत ही ईजी टूल था ये वाला अब चलते हैं ये बैकग्राउंड रिमूव के टूल पर यह आपको बताता हूँ उसके बाद मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे बैक ब्लैक एंड वाइट और नी मैंडेट वाला ये जो बैकग्राउंड रिमूव का टूल होता है ना इसके लिए क्या करना है आपको फोटो खोलनी है कोई सी फ़ोटो ले सकते हैं हम लोग मोस्टली ये वाली फोटो ले लेते हैं काम करते हैं यही वाली फोटो मैंने ले ली ये फोटो आगे नंबर पूछेगा मैंने लास्ट का नंबर पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने नंबर क्या दिया था यहाँ देख सकते हैं नंबर थ्री था मेरा थ्री की जगह मैं यहाँ पे करूँगा फोर जीरो फोर कर दिया एंटर कर दिया मेरी फोटो लाइट बहुत है ये मैंने सारी लाइट फोटो ले रखी तो डार्क कर दिया अभी कस्टम बोला कि मुझे नहीं इसमें मुझे आ, लाइक ब्लू कलर चाहिए या फिर ग्रे कलर चाहिए ठीक है ग्रे या फिर ब्लू समझ लो वो चाहिए तो अभी क्या करना है आप कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे जो प्रिपेयर बटन है ना प्रिपेयर बटन पे क्लिक कर देना है आपने अभी तक ऑटो करेक्शन नहीं किया ठीक है स्मूथ नहीं किया वो आप अपने हिसाब से करके देख लेंगे अपनी फोटो में जरूरत है 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 कि नहीं ठीक फिर आप करेंगे प्रिपेयर प्रिपेयर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ गया अभी बैकग्राउंड की तरफ में यहाँ पे जो फोटो का बैकग्राउंड है ना इस जगह पे क्लिक कर दो जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा आपका जो सब्जेक्ट है ना ये सब्जेक्ट को पूरा काला करना है पीछे की जगह को व्हाइट करना है जो रिमूव करना है वो व्हाइट होना चाहिए और सब्जेक्ट आपका बिल्कुल ब्लैक होना चाहिए आपने जब बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था आपको अभी जो ये वाली जो लाइन है ना इस लाइन को हम लेके जाओ माइनस में जब तक कि आपका सब्जेक्ट पूरा काला नहीं हो जाता है यहाँ पे काला हो गया आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा और कर लेते हैं यहाँ तक ठीक है इतना कर लिया अब यहाँ पे जो प्लस का बटन है इसको दबा दो इसको दबाने के बाद पीछे का बैकग्राउंड पे क्लिक करते जाओ क्लिक करते जाओ पीछे के बैकग्राउंड को आप व्हाइट करते जाओ आप देख रहे हो जैसे आप क्लिक करते जा रहे हो तो वो व्हाइट होता जा रहा है ठीक है जितना स्मूथ आप काम करोगे उतना बढ़िया आप उसको कटिंग कर पाओगे इसको मैंने और ब्लैक कर लिया यहाँ तक ब्लैक कर लिया ठीक है आपने यहाँ पर देखा ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया ये मेरा हो गया अब मैं इसको डायरेक्ट ओके करूंगा ये मैंने ओके कर दिया ओके करने के बाद ये आपके फोटो प्रिपेयर हो चुकी है जो मर्जी आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो मैंने ग्रे पे क्लिक कर दिया ग्रे पे क्लिक किया तो आपकी जो इमेज है वो ग्रे बैकग्राउंड में चेंज हो जाती है यहाँ पे देख सकते हो ग्रे में चेंज हो गई है चलो मैं ब्लू में कर देता हूँ ये मैंने ब्लू पे क्लिक किया तो ब्लू में चेंज हो गई है ठीक है अगर मैं वाइट पे क्लिक करूंगा तो मेरी फोटो का वाइट में चेंज हो जाएगी यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज हो गई है आपको जो भी रखना है आप वो अपने हिसाब से रखो मैंने कहा कि मुझे व्हाइट ही रखना मान लेते हैं तो ये रखने के बाद आपको यहाँ पर डन पे क्लिक कर दो ये मैं डन पे क्लिक कर दिया आपकी फ़ोटो मर्ज हो चुकी है अभी अभी आप यहाँ पर डिसाइड करोगे क्या काटना है पासपोर्ट स्टैम्प की बी टू चलो पासपोर्ट ही काट लेते हैं ये मैंने पासपोर्ट पर क्लिक किया इसको अपना साइज बना लिया ठीक है ये मैंने इतना कर लिया और ऐसे करके एंटर कर दिया ठीक है मेरी फोटो क्रॉप हो चुकी है अब मैं क्या करूँगा मेरा पार्टी ने बोला कि नहीं मुझे तो छब्बीस फोटो चाहिए भाई छब्बीस फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज तो छब्बीस फोटो तो मेरे ए में नहीं आएगी ठीक है और छब्बीस फोटो का यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है ठीक है ए फोर में तो नहीं आएगी फाइव सेवन में भी नहीं आएगी सिक्स एट में भी नहीं आएगी ए फोर में जरूर आ जाएगी तो मैं इसको ए फोर पर क्लिक कर दूंगा ए फोर पर क्लिक किया मैंने ये मेरे को ऑप्शन आ गया आप इसको ओके कर देंगे ओके करने के बाद ये फोटो को आपने यहाँ पे सेट कर लिया और अच्छाबीस फोटो बनानी है आपको ठीक है एक फोटो बनी हुई है ठीक है दो तीन चार पाँच पाँच हो गई छः कर दिया सात आठ नौ दस दस हो गई ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस फिर इक्कीस हो गई बाईस होगी तेईस होगी चौबीस होगी पच्चीस हो गई और छब्बीस एक है छब्बीस आपने यहाँ पर रख ली तो फिर आप इसको यहाँ पर कर लो मैनुअली कोई दिक्कत नहीं है अब आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो देट जितना कॉपी आपका कस्टमर बोलेगा उतना कॉपी आप बना सकते हो जो बीच का स्पेस है बिल्कुल वो सेट है आपका कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं होगा यानी बैकग्राउंड जो कटिंग का था ऑप्शन वो भी आपने देख लिया यहाँ पर ठीक है अब आपने ये भी देख ही लिया आप समझ गए जैसे ये टूल था जितनी मर्ज़ी कॉपी बनानी है जैसे पासपोर्ट चाहिए स्टैम्प फोर सिक्स बनाना है कि फाइव सेवन में कि सिक्स एट में कि ए फोर में बस इतना आपको क्लिक कर देना आपकी फोटो सेट हो जाएगी अगर स्टैम्प यूज कर रहे हैं तो स्टैम्प के लिए ये है अगर पासपोर्ट यूज करें तो उसके लिए ये है अगर यहाँ पे कुछ सेट करके दिया हुआ है आठ पासपोर्ट के लिए आपको ये दबाना है बारह पासपोर्ट के लिए सोलह पासपोर्ट के लिए यहाँ पे होगी आपका बारह स्टैम्प पंद्रह स्टैप बाईस स्टैम्प यहाँ पे आपका पी एस है पी एस मतलब पासपोर्ट और स्टैंप दोनों मैं ये भी बता देता हूं आपको ठीक है मैं यहाँ से एक फोटो खोल रहा हूँ मैं काम करता हूँ बनी बनाए फोटो को खोल लेता हूँ ताकि जल्दी हो जाएगा क्रॉप नहीं करना पड़ेगा ये मेरी फोटो पासपोर्ट साइज थी ठीक है मेरा कस्टमर बोल रहा है कि मुझे चार पासपोर्ट चाहिए चार स्टैंप चाहिए ठीक है तो यहाँ पे आपने क्या किया चार पासपोर्ट और चार पे क्लिक कर दिया यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका फोर फोर्स के अंदर चार पासपोर्ट और चार स्टैंप यहाँ पे आ गया यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सेट हो गया ठीक है ये हो गया बंद कर देते हैं मैं फिर से फोटो खोल लेता हूँ एक बारी अब की बार आपका कस्टमर बोल रहा है कि मुझे चार पासपोर्ट छः स्टैंप चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे आपसे बॉर्डर पूछा ओके कर देंगे फिर इस टाइम के लिए बॉर्डर पूछ गया ओके कर देंगे तो यहाँ पे चार पासपोर्ट छे स्टैम्प यहाँ पे आपका सेट हो गया अगर आपको इसको ए फोर में प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट विद ए फोर करेंगे तो आपका प्रिंट विद ए फोर में आ जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे बी टू है यहाँ पे आपको ऑप्शन छूटा हुआ है बी टू का ऑप्शन बताना बाकी है मुझे आपको और ये ब्लैक एंड व्हाइट और नेम एंड डेट के साथ तो सबसे पहले तो बी टू बता देता हूँ मैं आपको यहाँ से बी टू के लिए मैं कोई से भी एक इमेज खोलूंगा ठीक है इसका नाम दे देते हैं जीरो फाइव देते हैं एंटर किया मैंने एंटर करने के बाद मुझे बी टू करना है कलर करेक्शन मैं कर लूंगा जो भी करना है बी टू पर मैंने क्लिक किया ये बी टू साइज है बी टू साइज का मतलब होता है जो पासपोर्ट दो पासपोर्ट रखो एक साथ जो उसका साइज होगा ना एक साथ रखने के बाद हाइट और ब्रथ वो बी टू होती है साइज आपकी ठीक है नॉर्मली सरकारी काम में यूज होती है वो यहाँ पे मैंने सेट कर लिया ओके कर दिया ये कर दिया अब ये जो बी टू है ना ये पोस्ट कार्ड में दो ही आते हैं और एक फोर में चार आते हैं और ये दो से ज़्यादा जरूरत किसी को पड़ती ही नहीं है तो यहाँ पे मैंने क्रॉप कर दिया यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास दो बीटू का या फिर चार बीटू का दो बीटू पे चलते हैं दो बीटू पे क्लिक किया ओके कर दिया तो यहाँ पे दो बीटू सेट हो गया ये पोस्ट कार्ड में सेट हो गया ठीक है तो ये था आपका बी टू का ऑप्शन अब चलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट वाले पे ठीक है या फिर नेम एंड नेमट पे पहले ब्लैक एंड व्हाइट पे चलते हैं तो मैं बनी बनाए पासपोर्ट को खोल रहा हूँ मैं पहले ये मैंने बना बनाया पासपोर्ट खोल दिया और या तो फिर चार ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए चार मुझे कलर चाहिए आपके कस्टमर ने ऐसा बोला आपको तो आप क्या करोगे पासपोर्ट तो कटिंग कर लिया आपने यहाँ से जो ए का ऑप्शन है आप ये दबा दो इससे आपकी फोटो सेट हो होगी यहाँ पे कलर है ब्लैक एंड व्हाइट करने का तरीका आप देख लो कैसा है आपको कुछ नहीं करना जो सेलेक्टिव टूल है इसको जाना है सेलेक्ट करना है कस्टमर बोला कि चार फोटो चलो जी ये लो चार फोटो ऐसे सेलेक्ट कर लो ऐसे करके सेलेक्ट कर लिया आपने चार फोटो यहाँ पे जो ब्लैक एंड व्हाइट का जो बटन था ना वो दबा दो बस ये आपने दबा दिया आपकी फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हो गई आपका कस्टमर कह रहा है कि मुझे दो फोटो और चाहिए ये दो फोटो को मैंने सेलेक्ट कर दिया और मैंने यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट दबा दिया ये आपका सेट हो गया आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो ए फोर में निकालना है ए फोर में भी जाओगे तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट और कलर ही आएगा यहाँ पे देख लिया आपने आपको जब आपकी शीट बन जाए ना तब जाके आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना है ठीक है चलो एक बार और मैं बताया था मैंने फिर से ये खोला आपके पार्टी ने बोला कि मुझे चार पासपोर्ट साइज कलर चाहिए और स्टैम्प साइज ब्लैक एंड वाइट चाहिए छः स्टैम्प ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो मैंने यहाँ पे दबा दिया ओके कर दिया यहाँ पे मेरा पासपोर्ट बन गया और यहाँ पे मेरा स्टैम्प तैयार हो गया पार्टी ने आपको बोला कि मान लो कि चार पासपोर्ट नहीं नहीं सॉरी दो पासपोर्ट ब्लैक एंड वाइट चाहिए चलो जी ये मैंने दो पासपोर्ट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट का जो बटन था वो दबा दिया ये तो हो गया अब पार्टी बोल रहा है कि मुझे चार स्टैप भी ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो मैंने यहाँ से चार स्टैम्प को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट पर क्लिक कर दिया तो डन हो चुका है अब यहाँ पे देख सकते सीधा इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला भी समझ गया आप लोग अब रह गया नेम एंड डेट का काफी जगह पे जब कोई एडमिशन होता है वहां पर ना फोटो के नीचे नेम एंड डेट मांगा जाता है तो उसके लिए क्या करना है तो अभी मैं यहाँ पे कोई नई फोटो को खोल लेता हूँ जस्ट लाइक मैं ये वाली फोटो खोल लेते हैं फोटो खोल ली फोटो का नाम पूछा जीरो छः दे देते हैं ये आगे मैं इसमें क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा पहले तो डार्क करूँगा फोटो को थोड़ी ज़्यादा लाइट है इसको ऑटो क्रेशन पर मैंने क्लिक कर दिया ऑटो क्रेशन के बाद स्मूथ पे क्लिक कर दिया मेरे फोटो तैयार कर ली अपनी ठीक है अब मैं फोटो को पहले पासपोर्ट में क्रॉप करूँगा नेम एंड डेट डालने के लिए वैसे तो नेम एंड डेट जो है ना वो पासपोर्ट साइज के फोटो में जाता है स्टेप पर नहीं जाता ठीक है मेरी फोटो यहाँ पे स्मूथ हो चुकी है अभी पहले मैं क्रॉप कर लेता हूँ ये मैंने क्रॉप पे क्लिक किया और मैंने ऐसे कर लिया और यहाँ पे सेट कर लेते हैं यहाँ पे सेट कर दिया ओके कर देते हैं मेरा पार्टी का नाम और डेट डालना है मुझे यहाँ पे तो मुझे क्या करना होगा यहाँ पे नेम एंड डेट पे क्लिक कर दो जस्ट क्लिक कर दो आप क्लिक करते के साथ ही आपके यहाँ पे देखो नेम एंड डेट आ गया है सेंटी रॉय लिखा आ गया बीस जीरो वन ट्वेंटी ट्वेंटी वन लिखा आ गया यहाँ पे लिखा आ रहा है आपका एक मैसेज प्लीज़ टाइप नेम एंड डेट नाम और तारीख लिखो ठीक है यहाँ पे आप कंटिन्यू पे प्रेस करो कंटिन्यू प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कुछ ऐसा लिखा हुआ यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी नाम है पार्टी का आपका लिख दो जैसे कि सीमा लिख दिया प्रसाद ये लिख दिया डेट जो भी डालने को बोलती है पार्टी आपकी जो भी डालना है वैसे तो रिसेंट डेट डालती है जैसे कि मान लेते हैं सत्रह डाल दिया सत्रह डालने के बाद जो भी मंथ है मंथ डाल दो अपना जो भी एयर है वो डाल दो ये हो गया डालने के बाद अपना एरो पे क्लिक कर लो जो एर ओ है इस पर क्लिक कर लो क्लिक करते के साथ आपकी फोटो सेट है अब आपका पार्टी बोलेगा कि क्या चाहिए भैया मुझे तो सोला पासपोर्ट चाहिए यहाँ पासपोर्ट चाहिए तो आप जस्ट प्रेस कर दो आपके फोटो यहाँ पर रेडी है आप प्रिंट आउट करो निकाल दो अगर आपका पार्टी बोलता है ब्लैक एंड व्हाइट कर दो मुझे इसमें से दो फोटो तो यहाँ पे आप दो फोटो सेलेक्ट कर लो ऐसे करके सेलेक्ट कर लिया आपने ठीक है सेलेक्ट हो गई ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक कर दो तो ये ब्लैक एंड वाइट हो गई आप सीधा प्रिंट आउट निकाल दो तो ये हो गया डन तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ऑलमोस्ट मैंने इसका सारे फीचर्स बंद खत्म कर दिए हैं यहाँ पर एक फीचर और है एड एक्स्ट्रा प्रिंट और यहाँ पे रोटेट का रोटेट को मैं आपको बता देता हूँ मैं एक फोटो खोल रहा हूँ मैंने बनी बनाए फोटो को ही खोला है एक काम करते हैं इसको पहले मैं एफ्रॉम बना देता हूँ ये मैंने एफ रोम में सेट कर दिया ओके कर दिया नहीं फोर सिक्स बना दिया मुझे इसको ए में सेट करना है ए फॉर्म में मैंने सेट कर दिया मैं ये वाला बटन बताने जा रहा हूँ पहले ऐड एक्स्ट्रा प्रिंट आपका कोई दूसरा पार्टी भी है आपको इसी पेज में दूसरे पार्टी का भी प्रिंट आउट निकालना है लेकिन आपने उसकी फोटो रखी हुई है सेव करके आपका जो ये वाला फोल्डर था सेव सेवेज का ये वाला इसमें रखिए पहला नंबर का फोटो निकालना है आपको ये वाला ठीक है तो यहाँ पे जो है ऐड एक्स्ट्रा प्रिंट इसको आप प्रेस कर दो तो आपसे पूछेगा कहाँ पे रखिए आपने फोटो कंप्यूटर के किसी भी जगह से आप फोटो को उठा सकते हो मैंने जीरो वन की फोटो को उठाया फोटो मेरे यहाँ पे सेट हो गई है ठीक है सेट होने के बाद आप अपने हिसाब से इसको मैनुअली बॉर्डर दे दो दे दिया फोटो को यहाँ पे सेट कर दो ठीक है अगर आपको फोटो को रोटेट करना है ठीक है रोटेट का ऑप्शन यहीं पर था ना इसको आप दबा दो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे मैंने बड़ा कर लिया ठीक है कस्टमर की फोटो यहाँ पे अगर मैं ऐसे ऐसे करके सेट करूँ तो सेट नहीं होगी तो यहाँ पे रोटेट कर दो रोटेट दबा दे तो फोटो आपकी रोटेट हो गई है ठीक है अब इसकी कॉपी बनानी है तो आपको पता ही है कि कॉपी ऐसे करके मतलब ओल्ड दबा के जो आप बनाते हो वो भी दबा सकते हो वो भी बना सकते हो, बना सकते हो ऐसे करके बना लिया आपने ठीक है मान लो इसको हटा देते हैं ये हटा देते हैं मैं फिर से रोटेट दबा रहा हूँ मैंने रोटेट दबा दिया तो आपकी बात ऐसी होगी फिर दबा दो फिर दबा दो सीधे हो जाती है ठीक है ऐसे करके सेट कर दो या अगर आपको और भी ज़्यादा पीसीज बनाने है इसको आपने इसको यहाँ पर सेट कर दिया अगर आप उसको नंबर ऑफ कॉपीज़ बढ़ानी है तो ये वाला बटन है इसको दबा दो आप मैं यहाँ पे दबा के दिखा रहा हूँ आपको हरा बटन ये दबाया तो नंबर ऑफ कॉपी बढ़ा रहे हो आप यह बना रहे हो ऊपर की तरफ ले जाना तो ऊपर की तरफ लेके जाओ ये देखो लेके चले गए ठीक है इसमें से कुछ ब्लैक एंड वाइट करना है तो ये लो मैं यहाँ से इस ये दो फोटो को नीचे से दो फोटो को ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ ये मैंने सेलेक्ट करें लेकिन ब्लैक एंड वाइट करने के लिए नंबर ऑफ कॉपी में आपका यहाँ पर जो लेयर है वो अलग अलग है भाई लेयर आपकी जो है वो मिक्स होनी चाहिए ठीक है उसके बाद यहाँ पे ब्लैक मैट पे क्लिक कर दो ये कर दिया मैंने ये हो गई डन यहाँ से मुझे ये वाला जो लड़का है ये भी बोल रहा है कि मुझे दो फोटो ब्लैक मैट चाहिए चलो जिसको भी सेलेक्ट कर दिया ब्लैक मैट कर दिया डन हो गई प्रिंट आउट निकाल सकते हो आई थिंक आप समझ गए होंगे एक्स्ट्रा प्रिंटेड का ये भी हो गया अब चलते हैं हम लोग मल्टीपल फोटो के लिए ये वाला ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन है इसके बाद हम लोग का वीडियो खत्म हो जाएगा ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ये जो ऑप्शन है मल्टीपल फोटो के लिए मान लेते हैं कि आप कोई स्कूल का फोटो क्लिक कर रहे हैं बच्चों का या कॉलेज का बहुत सारी फोटो है पांच सौ फोटो आपके पास आ गई है जी इसको पासपोर्ट बनाना है आठ आठ कॉपी ठीक है या तो आठ कॉपी बनाना है चार ब्लैक वाइट चार कलर बनाना है जो भी बनाना है वो आप पर डिपेंड करता है मान लेते हैं आठ पासपोर्ट का ही ऑर्डर आ गया आपके पास ठीक है तो अभी क्या करना है कस्टमर की फोटो आपने क्लिक करिए माई कंप्यूटर में गए डी ड्राइव में गए पासपोर्ट के फोल्डर में गए यहाँ पे मल्टी फोटो में यहाँ पे पेस्ट कर दो तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी फोटो पेस्ट करके रखी हुई है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दो अपनी वो 500 फोटो पेस्ट कर दिया आपने फोटोशॉप खोलो ठीक है पासपोर्ट का अगर ऑर्डर है तो यहाँ पे देखो पहले तो कलेक्शन करो यहाँ पे यहाँ पे लिखा है मल्टी फोटो करेक्शन पहले तो आप इसको दबा दो इसको दबाने के बाद आपकी फ़ोटो ऑटोमेटिकली आएगी कलर करेक्शन होगी ऑटोमेटिकली वहाँ पर जाके सेव हो जाएगी ठीक है तो लेकिन ओरिजिनल जो फोटो होती है ना आपने जो क्लिक करी होगी वो अपने मेमोरी कार्ड पेन ड्राइव में वहाँ पर जरूर रखना ठीक है और यहाँ पे अभी आपका काम जो चलते जा रहा है वो होते जा रहा है यहाँ पे यहाँ पे आपकी फोटो कलर कलेक्शन हो रही है कलर कलेक्शन के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपको बी टू सॉरी आपको पासपोर्ट बनाना है कि स्टैम्प बनाना है पासपोर्ट बनाना है तो ये बटन दबाना है स्टैम्प बनाना है तो ये बटन दबाना है तो यहाँ पे पहला बटन है क्रॉप फिर है आपको आठ पासपोर्ट का बनाने का तो यहाँ पे अभी मेरी फोटो कलर कलेक्शन हो रही है यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे अगर देखेंगे कि आपकी फोटो जो है बहुत अच्छी ढंग से यहाँ पर कलर कक्शन चल रही है अभी यहाँ पे आप देखें ठीक है यहाँ स्टार्टिंग के चार फोटो हो चुकी है अभी पाँचवें नंबर की फोटो जो ये वाली है ये फोटो होने जा रही है जैसे ये फोटो होगी तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ पे देखो ये हो चुकी है यहाँ ये वाली चल रही है ये वाली भी हो जाएगी नीचे वाली भी ये देखो ये भी हो गई है ऐसे करके ये आपकी ऑटोमेटिकली सारी फोटो हो जाएगी जैसे ये फोटो डन होती है आपका जो फोटोशॉप में आपको वर्किंग बंद हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे मेरी जो फोटो का कलर कलेक्शन हो चुकी है अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी फोटो में बहुत अच्छा कलर आ चुका है यहाँ पे ऑलरेडी स्मूथ भी हो चुकी है ठीक है अगर मैं आपको फोटो खोल के दिखाऊँ जैसे कि पहली फोटो देख लो फोटो स्मूथ भी हो चुकी है यहाँ पे आप देखेंगे कलेक्शन भी हो चुका है स्मूथ भी हो चुकी है तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा तो यहाँ पे आप डिसाइड करो कि क्या करना है पासवर्ड बनाना है कि स्टैम्प बनाना है चलो पासवर्ड बनाना है यहाँ पे क्रॉप फोटो पे क्लिक करना है क्रॉप इन पासपोर्ट इस पर क्लिक करेंगे आपकी फोटो ऑटोमेटिकली खुलेगी साइज बना हुआ आ जाएगा आपके पास आपको जस्ट अपनी फोटो को एडजस्ट करना है कितना शोल्डर रखना है कैसे रखना है आप रख लिया डबल क्लिक कर दो डबल क्लिक करते करके साथ ही आपकी जो फोटो है वो वहीं पे जाके सेव हो जाएगी जहाँ पे आपने अपनी फोटो को रखा है ओरिजिनल तो मैं आप लोगों के लिए जस्ट मैं नॉर्मली फास्टली इसको क्रॉपिंग कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी ऐसे करके मैं आप थोड़ा सा सही से नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप लोग समझ लेना ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं तीन फोटो मैं कर चुका हूँ ये मेरी चौथी फोटो है और टोटल मेरे ख्याल से आठ फोटो है यहाँ पे भी मैंने इस फोटो को ऐसे करके कर रखा और यहाँ पे क्रॉप कर दिया ये फोटो मेरी क्रॉप हो चुकी है अगर आप ओरिजिनल में देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक बारी कि मेरी फोटो क्रॉप हुई कि नहीं हुई यहाँ पर देख सकते हो कि सारी फ़ोटो आपकी क्रॉप हो चुकी है अब आपको पासपोर्ट बनाना था राइट तो आपको यहाँ पे आठ आठ पासपोर्ट पर क्लिक करना है तो आपकी फोटो आएगी ऑटोमेटिकली सेट होगी और जाके इसी फोल्डर में जाके सेव हो जाएगी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे तीन फोटो आ चुकी है अभी चौथी आ गई ठीक है फिर पाँचवें आएगी छठी सातवें आठवीं सारी फोटो यहाँ पे आ जाएगी उसके बाद आपके पास जो काम बचेगा प्रिंट आउट निकालने का अगर आप खुद से प्रिंट आउट निकालोगे इतनी सारी फोटो को तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा लैब से जाकर निकवाओ ज्यादा इजी पड़ता है ठीक है यन चुकी है तो यहाँ पे ये डन हो चुका है उसी ढंग से आपका ये स्टैम्प भी है तो गाइस आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे तो ये वाला वीडियो था मेरे नए यूजर के लिए पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर बताया कि कैसे कैसे काम करना है वीडियो लंबा हो चुका है लेकिन आई होप आप लोग को पसंद आया हो मेरी एडिटिंग मेरे सारा काम मेरा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा लगा हो तो इस सॉफ्टवेयर को लेने के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप का नंबर आपको बहुत जगह दिखाई देगा व्हाट्सअप के थ्रो कॉन्टैक्ट सकते हैं सॉफ्टवेयर को जब आप बाय करेंगे तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे आप जरा देख लो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपके पास ये वाला फोल्डर आएगा एक ठीक है यहाँ पे ये यह पासपोर्ट वोल गेट फोर पॉइंट जीरो आप इसको डबल क्लिक करेंगे एक्सटेंड करेंगे और ओके करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो फाइल है वो एक्सटेड हो जाएगी एक्सटेड होने के बाद जो फोल्डर आएगा आपका मैं यहाँ पे रख लेता हूँ उसके बाद आपको ये वाली फाइल आ जाएगी यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट आपको कुछ भी नहीं करना होता है इस फाइल को डबल क्लिक करना होता है उसको यहाँ पे कोड लगेगा यहाँ पे यह देख सकते हैं ये आपका हार्डवेयर आईडी है यहाँ पे इस हार्डवेयर आईडी की मदद मतलब से आपका कोड जनरेट होगा जो कि कोड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा वैसे तो सॉफ्टवेयर मैं ही इसको करवा के रेडी कराऊंगा आपको कोई टेंशन नहीं लेना है सब चीज़ मैं ही रेडी करवा के आपको डन कराऊंगा आपको कोई टेंशन नहीं करना है जस्ट आपको फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना है वैसे तो मैं ही करूँगा आप टेंशन ना लो इस चीज़ के लिए हम लोग वो देख लेते हैं कि कैसे आप इसको बाय कर सकते हो विदाउट मेरे से कॉन्टैक्ट की हुए तो गाइस अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये सॉफ्टवेयर को कैसे आपको डाउनलोड करना है वैसे आपको इस वीडियो में काफी जगह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई गया होगा वो नंबर व्हाट्सअप का है व्हाट्सएप के थ्रू भी आप मेरे से बात करके सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं लेकिन मान लो बाई चांस मैं कहीं बिजी हूँ आपका कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ या फिर आपका टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ और अगर आपको सॉफ्टवेयर बाय करना है मेरे से बगैर कॉन्टैक्ट किए हुए तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरिया में जाना है मैं यहाँ पे आपको सैंपल जरा शो करता हूँ यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल में मैं कोई सा भी एक वीडियो को ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि कैसे आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है बाय करना है ठीक है ये मेरा एक वीडियो मैंने ओपन कर दिया है मैं इसको पॉज कर देता हूँ मान लो कि ये मेरा वही वीडियो चल रहा है जो कि आप इस वक्त देख रहे हो वीडियो को आप करोगे मूव डाउन डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा शो मोर का बटन आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो डाउनलोड लिंक लिखा हुआ आ जाएगा इस डाउनलोड लिंक की जगह पे यहाँ पे आपको दिखेगा सेकंड नंबर पे डाउनलोड लिंक जहाँ पे आपको डार्क एरो दिखाई देंगे ठीक है इस जगह पे जो नीले कलर का है यही लिंक है आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे एक नए पेज पर पे। आपके सामने वो पेज खुलेगा बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही पेज खुलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको करना क्या है थोड़ा सा मूव डाउन करना है जैसे आप डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा न्यू पासपोर्ट टूल किट फोर पॉइंट जीरो अ पावरफुल पासपोर्ट फोटो मेकर सॉफ्टवेयर थोड़ा सा मूव डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका सॉफ्टवेयर का थंबनेल दिख जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन एरिया दिख जाएगा उसका पैनल कैसा है वो दिख जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे पासपोर्ट के कुछ सैंपल है उसके फीचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फीचर्स हैं ठीक है अब यहाँ से नीचे करते जाएंगे नीचे करते जाएंगे यहाँ से आप उसको यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक डाउनलोड का यहाँ पे बटन बना हुआ ब्लू कलर का आपको यहाँ पे क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वैसे पहले आप यहाँ पे देख लेंगे जो यहाँ पे आपके पास लिखा आ रहा है सॉफ्टवेयर का प्राइस जो है सॉफ्टवेयर का सिंगल यूजर प्राइस है सेवन हंड्रेड रुपीज़ सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया गया है लेकिन सेम प्राइस रखा हुआ है प्राइस हम लोगों ने नहीं बढ़ाया जबकि बढ़ाना चाहिए था लेकिन नहीं बढ़ाया ऑफर प्राइस है इसका तेरह सौ रुपये दो यूज़र के लिए अगर तीन यूज़र लेने आपको तीन कंप्यूटर के लिए तो अठारह सौ रुपये है ठीक है जैसे आप इस बटन को दबाते हैं डाउनलोड बटन को दबाते हैं तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे इस पेज पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका पासपोर्ट टूल किट फोर पॉइंट जीरो उसके यहाँ पे आपको फाइल का साइज दिखाई देगा टू थर्टी सेवन एम बी की फाइल है यहाँ पे आपको उसका प्राइस दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको इस सॉफ्टवेयर का डिस्क्रिप्शन एरिया दिखाई दे रहा है आप जरूर पढ़ें मैं आपको सलाह दूंगा यह आप जरूर पढ़ें बाय करने से पहले ठीक है सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे यहाँ पे सब कुछ लिखा लिखाया हुआ है ठीक है यहाँ पे आपको बाय करना है तो बाय पे क्लिक करेंगे बाय नाउ पे यहाँ पे आप आ जाते हैं यहाँ पे आपसे लिखा हुआ है नेम ई एड्रेस फोन नंबर तीनों चीजें आपको बिल्कुल राइट डालनी है एग्जाम्पल के तौर पर आपको डाल के दिखा रहा हूँ जिसकी मैंने डाल दिया राहुल ई एड्रेस डाल देते हैं हम लोग जैसे कि राहुल मान लेते हैं डी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम उसके बाद फोन नंबर सेवन टू जीरो नाइन वन नाइन फाइव वन डबल ज़ीरो मैंने फैक्ट डाला है सिर्फ नंबर मेरा सही है मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फैक्ट डाली लेकिन आपको सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल राइट भरनी है अगर आपका मेल एड्रेस गलत हुआ तो यह सॉफ्टवेयर आपके मेल तक नहीं पहुंच पाएगा तो आपको मेल एड्रेस बिल्कुल सही डालना है ठीक है यहाँ पर मैंने सही कर दिया गलत था वैसे तो जैसे आप पेमेंट डन करोगे ना ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है आपके डाउनलोड फोल्डर में जाके लेकिन बाई चांस अगर डाउनलोड नहीं हो पाया लाइट कट गई इंटरनेट बंद हो गया कोई भी डाउनलोड नहीं हो पाया किसी भी कारण से डाउनलोड अगर नहीं हो पाया तो टेंशन नहीं लेना अगर आपने मेल एड्रेस सही डाला होगा तो आपके मेल पे ये सॉफ्टवेयर का लिंक आ जाएगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का प्राइस डालना है सात सौ रुपये मिनिमम अमाउंट है सात सौ रुपये से कम डालोगे तो नहीं जाएगा ये आगे सात सौ रुपये डालना है आपको उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप आ जाएंगे इस वाले पेज पे। अगर आप गूगल पे फोन पे पेटीएम यूज़ करते हैं तो ये वाला कोड को स्कैन करके आप पे कर सकते हैं जैसे आप पेमेंट डन करेंगे उसी वक्त आपका डाउनलोड हो जाएगा अगर आपको गूगल पे फोन पे पेटीएम से पे नहीं करना है तो यहाँ पे मोर ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नेट बैंकिंग वॉलेट पे लेटर और एन है तो यहाँ से आप पेमेंट डन कर सकते हैं ठीक है जैसे पेमेंट डन करेंगे उसी वक्त ही आपका डाउनलोड हो जाएगा और अगर आपको यहाँ से बाय नहीं करना डायरेक्टली मेरे से बाय करना है तो आपको इस वीडियो में काफी जगह पे व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दिया होगा व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से बात कर सकते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उसके बाद आप इस सॉफ्टवेयर को बाय कर सकते हैं बहुत ही इजिली इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी है अगर आप कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो गाइज आई होप आप होपो को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें शेयर जरूर करें कमेंट जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे आई होप यू गाइज एनजॉय कॉमेंट एंड ऑफकोर्स Thank you so much guys for watching. Love you guys.